हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 5 करेंगे। आज के इस पार्ट 5 में हम लोग हिटलर्स राइज टू पावर और सेकंड पॉइंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को कवर करेंगे। हम लोग अब तक इसके चार पार्ट्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके काउजेज को डिस्कस किया गया था। सेकेंड पार्ट में बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक और द इफेक्ट्स ऑफ वॉर को डिस्कस किया गया था। थर्ड में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर रिपरेशंस के कॉजेज, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोर्थ पार्ट में द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन को डिस्कस किया और आज इसका पार्ट 5 है। मेरे ये चारों पार्ट्स आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर। हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में कि हिटलर को कैसे पावर मिला, कैसे हिटलर पॉपुलैरिटी के बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी को रिप्लेस किया डिक्टेटरशिप से, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। 1929 इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। हम लोग अब तक इसके वेरियस पार्ट्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी का सोसाइटी कैसे चेंज होने लगा, जर्मनी में लोग कैसे वाइमर रिपब्लिक को नापसंद करने लगे, जर्मनी में कैसे डेमोक्रेसी इनफेमस हो गया, जर्मनी में कैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म बढ़ने लगा, जर्मनी में कैसे रशियन रेवोल्यूशन की तरह उसी के तरीके से पॉलिटिक्स से स्टार्ट हो गया, और इन सब की वजह से वाइमर रिपब्लिक डेमोक्रेसी को लोग नापसंद करने लगे, तो उसी बारे में यहाँ बात किया गया है। उन सभी के वजह से सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ वाइमर रिपब्लिक, इन सभी के वजह से क्या हुआ कि हिटलर बहुत तेज़ी से अपने पावर को बढ़ाता चला गया। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का बॉर्न यानी जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ, उसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न्ड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो हिटलर मैसेंजर के रूप में आर्मी को ज्वाइन किया और बहुत जल्द अपने ब्रेवरी की वजह से कॉर्पोरल बन गया। कॉर्पोरल का मतलब होता है एक स्मॉल पोजीशन, एक लोअर प्रोफाइल का पोजीशन आर्मी में ऑफिसर के रूप में। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मनी वर्ल्ड वार 1 में हार गया और वर्साई ट्रीटी हुई, इन दोनों की वजह से, एक अपमानजनक संधि की वजह से हिटलर को बहुत गुस्सा भी आया। इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप द जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी। बाद में वो इसमें काम करता गया, फेमस होता गया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो इसको, इस पार्टी को बिल्कुल कंट्रोल करने लगा बाद के समय में, और इस तरीके से उसने इस पार्टी का नाम, जो द जर्मन वर्कर्स पार्टी था, उसका नाम बदल दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में यही पार्टी जाकर नाजी पार्टी बनी। इन 1923 ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर ने बावेरिया को कंट्रोल करने का प्लान किया, वो बावेरिया को कंट्रोल भी किया और बर्लिन तक मार्च करके गया, पावर को उसने सीज कर लिया। ही फेल्ड, अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। उसको पकड़ लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला, उसको अरेस्ट भी किया गया और इस तरीके से बाद में उसको रिलीज भी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s तक नाजीज को पॉपुलर सपोर्ट जर्मनी में नहीं मिल पाया था। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, यहाँ हम लोग ग्रेट डिप्रेशन 1929 अमेरिका की बात कर रहे हैं, नाजीज बिकेम अ मास मूवमेंट।
जब हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन पार्ट फोर में, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हो गया और उसके वजह से पूरे अमेरिका में, यूरोप में, खासकर जर्मनी को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ और लोन रुक गया। इसके वजह से जर्मनी में बहुत तरह के डेवलपमेंटल वर्क रुक गए, बहुत तरह के उनके नेसेसिटीज़ भी अब फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर इस पॉइंट में डिस्कस किया गया। जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो वाइमर रिपब्लिक के लिए सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया और उसमें डेमोक्रेसी, वाइमर रिपब्लिक बिल्कुल बदनाम होता चला गया और उसी में नाजीज्म एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट में कन्वर्ट होने लगा। नेक्स्ट, आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, बिजनेसेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, मिडिल क्लासेस वेयर थ्रेटेंड विथ डेस्टिट्यूशन। यहाँ पर बताया गया कि जब 1929 के बाद क्या हुआ, उसके बाद बैंक्स कोलैप्स होते चले गए क्योंकि बैंक्स ने बहुत जमकर लोन बांटा था और उनकी लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो बैंक्स कोलैप्स होते चले गए। बहुत छोटे बड़े बिजनेसेस जो हैं वो बंद होने लगे क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, जब प्रोडक्शन रुक गया, कंपनियां बंद हो गई तो वर्कर्स के जॉब चले गए। मिडिल क्लासेस वेर थ्रेटेंड विथ डेस्टिट्यूशन, महंगाई बढ़ गई थी, मिडिल क्लास का खर्च बढ़ता चला गया और उसमें उनकी सेविंग्स डिमेनिश होती चली गई, उड़ती चली गई और इसकी वजह से क्या हुआ कि मिडिल क्लास को अब ये डर सताने लगा कि वो पॉवर्टी फेस कर लेंगे। डिस्टिट्यूशन का मतलब होता है पॉवर्टी। इन दिस सिचुएशन नाजी प्रोपोगंडा स्टर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। बिल्कुल इसी सिचुएशन में नाजी प्रोपोगंडा स्टार्ट हो गया, नाजी प्रचार। यहाँ प्रोपोगंडा का मतलब दुष्प्रचार स्टार्ट हो गया, वो ये कि नाजीज्म ने ये प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया कि उनको जो लोग भी सपोर्ट करेंगे, खासकर यूथ, उनको वो फ्यूचर में उनको अच्छे अच्छे ऑप्शंस देगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इस तरीके से उनके बेटर फ्यूचर के लिए नाजीज्म उनको प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया। 1928 नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट्स, 1932 इट गॉट 37% वोट्स इन द रिचस्टेग पार्लियामेंट, द लार्जेस्ट पार्टी। यहाँ पर दो अलग अलग ईयर्स के बारे में बताया गया। 1928 के इलेक्शंस में रिचस्टेग पार्लियामेंट में नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट ही मिला था, जबकि 1932 में वो इतना पॉपुलर हो गया, नाजीज्म इतना पॉपुलर हो गया कि उसको 37% वोट्स मिला। और इस तरीके से रिचस्टेग, जो कि जर्मनी के पार्लियामेंट को बोला जाता है, उसमें वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था 37% वोट्स की वजह से। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, हिटलर एक बहुत पावरफुल स्पीकर था, उसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, उसका पैशन, उसका एग्रेशन, उसका पावरफुल स्पीकिंग, ये सब कुछ देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द अनजस्टिस ऑफ वर्साय ट्रीटी एंड रिस्टोर द जर्मन डिग्निटी। हिटलर ने लोगों से प्रॉमिस किया कि जर्मनी को वापस फिर से एक स्ट्रॉन्ग देश बनाएगा। लोगों को ये फिर से प्रॉमिस किया गया कि वर्साय ट्रीटी का जो इनजस्टिस जर्मनी के साथ हुआ था उसको वो रिप्लेस करेगा, उसको समाप्त करवाएगा। और उसने लोगों को ये भी प्रॉमिस किया कि जर्मनी की डिग्निटी वापस से रिस्टोर करवाएगा। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, उसने यूथ से प्रॉमिस किया कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, उनको एम्प्लॉयमेंट होगा और जर्मनी के यूथ फ्यूचर में बिल्कुल प्रॉस्पर हो जाएंगे। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन। हिटलर को मालूम था कि रिचुअल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। हिटलर को यह भी मालूम था कि जो मास मोबिलाइजेशन होगा, लोग भीड़ लगाकर चीज़ों को देखेंगे तो वो सामने से देखी हुई चीज़ को पसंद करेंगे, देखी हुई चीज़ पर भरोसा करेंगे, फेथ होगा, फेथ बढ़ता चला जाएगा। तो हिटलर इस बात को समझता था और इसीलिए उसने एक नया स्टाइल जनरेट किया जिसमें वो खुलेआम लोगों के सामने आर्मी का बिल्कुल यूनिटी के साथ, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ प्रदर्शन कराता था। नाजीज हेल्ड मासिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड यूनिटी।
हिटलर के सपोर्ट के लिए नाजीज में ये भी चीज़ें स्टार्ट की गई कि जो पब्लिक मीटिंग्स होता था, डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, वो बिल्कुल डिसिप्लिन में किया जाता था, खुलेआम होता था और लोग उसको देखते थे। इससे हिटलर के प्रति लोगों में विश्वास, फेथ बढ़ता चला गया और लोग यूनिटी में भी विश्वास करने लगे, लोगों की यूनिटी भी स्ट्रेंथन होने लगी। द रेड बैनर्स विद द स्वस्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज वेयर स्पेक्टिकल ऑफ पावर। हिटलर के पावर के बारे में यहाँ बताया गया है कि हिटलर का पावर इससे भी पता चलता है कि चारों तरफ रेड बैनर्स स्वस्तिका का दिखता था। दूसरा चीज कि नाजी सैल्यूट में भी सब लोग एक जैसा डिसिप्लिन दिखाते थे। तीसरा बात कि द रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ अप्लॉज, जब हिटलर का स्पीच ख़त्म होता था तो उसी स्पीच के बाद लोग बहुत अप्लॉज करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ताली बजाते थे, हिटलर को पसंद करते थे। तो इससे भी ये दिखता था कि हिटलर नाजीज्म कितना पॉपुलर हो चुका था इस 1930s के टाइम में जर्मनी में। नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। हिटलर को नाजीज प्रोपोगेंडा में एक मसीहा के तरीके से प्रोजेक्ट किया गया और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। लोग उसको मसीहा की तरह देखने लगे, लोग हिटलर को ये भी देखने लगे कि हिटलर बहुत जल्द अब वापस ग्लोरी और प्राइड डिग्निटी जर्मनी का दिलवाएगा, जर्मनी वापस से फिर से एक स्ट्रेंथ और पावरफुल कंट्री बन जाएगा, जर्मनी के यूथ को फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जर्मनी का पॉलिटिक्स, जर्मनी की सोसाइटी, जर्मनी का इकोनॉमी फिर से वापस स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये सारे प्रोमिसेस एक तरीके से प्रोपोगेंडा, नाजी प्रोपोगेंडा का हिस्सा था और इन सब के पीछे हिटलर को पावरफुल बनाने का और एक डिक्टेटरशिप वाले सीन को लाने का कोशिश था। 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इन सारे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि हिटलर ने कैसे जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया और उसको अपने डिक्टेटरशिप से रिप्लेस किया। ऑन 30th जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। यहाँ बताया गया कि 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किया गया प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने और ये वो मौका था जिसका बहुत दिन से हिटलर इंतज़ार कर रहा था। उसको ये मौका इस इलेक्शन की वजह से मिला। 1932 में इलेक्शंस में हिटलर और नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिला था और ये रिचस्टैग पार्लियामेंट में द लार्जेस्ट पार्टी थी। तो अब हिटलर को पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। तो इस तरीके से हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किया गया। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जैसे ही हिटलर को पावर मिला, वो डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने लगा। डिसमेंटल का मतलब तोड़ना स्टार्ट किया, डेमोक्रेसी को कमजोर करना स्टार्ट कर दिया। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुवरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। फेब्रुवरी 1933 में रिचस्टैग पार्लियामेंट जर्मनी में आग लगा। उस आग की वजह से सबसे बड़ा फायदा हिटलर को मिला क्योंकि चांसलर बन चुका था, पॉलिटिकल पावर्स उसके पास थे, उसने सारे सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिए। सिविक राइट्स सस्पेंड होना, इसका सीधा मतलब है कि लोगों का जो स्पीच का फ्रीडम है वो छिन गया, लोगों का प्रेस का फ्रीडम छिन गया, असेंबली और पब्लिक मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, वो सब कुछ छिन गया और इस तरीके से सड़क पर अब किसी तरह का खुलेआम प्रदर्शन लोग नहीं कर सकते थे। तो हिटलर ये बिल्कुल सोच समझ कर किया। मिस्टीरियस फायर किसने कराया नहीं मालूम, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा हिटलर को मिला। देन ही टर्न्ड ऑन हीज आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ होम वेयर ह्यूरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली इस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। सिविक राइट्स सस्पेंड होने के बाद हिटलर अब अपने आर्च एनिमीज कम्युनिस्ट के तरफ गया और इस तरीके से उसने कम्युनिस्ट को टारगेट किया। कम्युनिस्ट जो उसके बिल्कुल खिलाफ थे, उसके डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे, नाजिज्म के खिलाफ थे, उन सभी को उसने टारगेट किया और उनको न्यूली बने हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजना स्टार्ट किया, वहाँ उनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया। द रिप्रेशन वॉज सीवियर। उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट किया गया वो बहुत ज़्यादा सीवियर था। सीवियर का मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको
तकलीफ दिया गया। कम्युनिस्ट वॉज वन एमोंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। नाजीज्म के टाइम में, हिटलर के समय, 52 टाइप्स के अलग अलग विक्टिम्स की पहचान की गई थी, इनको पनिश करना था। और उस 52 टाइप्स में एक टाइप कम्युनिस्ट थे, जिससे वो उसने इस अपने विरोधियों को शांत करने वाला पोजीशन में सबसे टॉप पर रखा, और सबसे पहले कम्युनिस्ट को उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। उस इनेबलिंग एक्ट के पास हो जाने से जर्मनी में हिटलर का डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गया। इसमें क्या फ़ायदा था? इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इसमें सबसे बड़ा पावर ये था कि उसने पार्लियामेंट को बिल्कुल साइड कर दिया, किनारे कर दिया। पार्लियामेंट में अब कोई भी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, और अब रूल बाय डिक्री करना था। रूल बाय डिक्री का सीधा मतलब है कि हिटलर जो बोल देगा, जो भी आदेश निकाल देगा, उसको पूरा देश फॉलो करेगा, उसको मना करने का कोई चांस ही नहीं बनता था। तो इसी का मतलब होता है रूल बाय डिक्री। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. Nazi party और उससे certificate प्राप्त जितने भी अलग अलग political parties थी, यानी Nazi party and उसके affiliates, सहयोगी पार्टियाँ, उनको छोड़कर बाकी सारे तरह के political parties और trade unions को ban कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी individual या group हिटलर का विरोध नहीं कर सकता था। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब हिटलर का कंट्रोल पूरे कंट्री में हो गया। उसने कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, उसने कंट्री के मीडिया, आर्मी और जुडिशरी सबको कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब कि जुडिशरी में उसके लोग आ गए, आर्मी में उसके लोग आ गए, मीडिया में उसके लोग आ गए, और पूरा का पूरा जर्मन इकोनॉमी अब हिटलर कंट्रोल कर रहा था। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। नाजी जिस तरीके का सोसाइटी जर्मनी में चाहते थे, उस सोसाइटी को बनाने के लिए, पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए एक नया तरह का स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज बनाया गया। रेगुलर पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, द गेस्टापो, द प्रोटेक्शन स्क्वाड SS, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस SD गेव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। अब एक तरीके से अब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा पॉलिटिक्स अब हिटलर के हाथों में था। तो हिटलर ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया किसको? अलग अलग तरह के स्पेशल सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस को। एक रेगुलर पुलिस थी ग्रीन ड्रेस में, स्टॉर्म ट्रूपर्स को बनाया गया, द गेस्टापो बनाया गया, द SS प्रोटेक्शन स्क्वाड बनाया गया, क्रिमिनल पुलिस और द सिक्योरिटी सर्विस SD बनाया गया। इन सभी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया कि वो नाजीज्म के विरोधियों को ढूंढें, हिटलर के विरोधियों को ढूंढें। पीपल कुड नाउ बी डिटेंड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्योर्स। अब लोगों को गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर में लाया गया, वहाँ उनको अरेस्ट करके लाया गया, उनके साथ टॉर्चर स्टार्ट हुआ, और इस तरीके से जिस पर भी शक होता था उन सभी लोगों को यहाँ लाकर उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, और उसके बाद उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने इन पॉइंट्स में देखा कि कैसे 30 जनवरी 1933 से प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के थ्रू चांसलर बनने के बाद लगातार जनवरी, फरवरी और मार्च में अलग अलग इवेंट्स होते चले गए, और कैसे हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास करते ही वहां का डिक्टेटरशिप वाला पोजीशन संभाल लिया। मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक पॉइंट नंबर 2.2 रिकंस्ट्रक्शन और पॉइंट नंबर 3 द नाजी वर्ल्ड व्यू होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।